जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। जैसा कि दिवाली आने वाली है तो मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ आपको, जिनको करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। पहला उपाय है धन लक्ष्मी की पोटली बनाना। वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, उसको जाकर आप देखकर उस धन लक्ष्मी की पोटली को जरूर बनाइएगा। दूसरा उपाय है कि रसोई घर में नया घड़ा भरकर जरूर रखें। दीपावली वाले दिन नया घड़ा लाकर पानी भरकर जरूर रखें। धनतेरस के दिन हल्दी चावल पीसकर उसके घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, सतिया जरूर बनाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन का आगमन होता है। तीसरा, नरक चतुर्दशी जिस दिन छोटी दीपावली होती है उस दिन प्रातः अगर आपको कोई हाथी मिल जाता है ना तो उसको गन्ना या मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि गज लक्ष्मी माता, धन लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी माता, गज माता को बहुत प्रिय है, तो गज को आप भोग जरूर लगाइएगा, आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, अनहोनी से सदैव रक्षा होगी। दिवाली के पूजन के बाद शंख और डमरू बजाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। दीपावली के दिन पति पत्नी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं ना एक साथ, तो उनका जो पारिवारिक जीवन होता है, उनके आपस में जो प्रेम बढ़ता है, कटुता दूर हो जाती है, उनमें सामंजस्य बढ़ता है और दिन दूनी रात चौगनी करते हैं, संतान सुख प्राप्त करते हैं। दीपावली के दिन इमली के पेड़ की छोटी टहनी लाकर अपनी तिजोरी में रख लें। इमली के पेड़ की छोटी सी टहनी लाकर अपनी तिजोरी में रख दें, इससे भी धन का बहुत बरकत होती है। दीपावली के दिन काली हल्दी को सिंदूर और धूप दीप से पूजन करने के बाद दो चांदी के सिक्कों के साथ लपेट कर रखने से आर्थिक समस्याएं कभी नहीं व्याप्ती हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दीपावली के अगले दिन गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसमें पुराने गुड़ की एक डेली और मीठा तेल डालकर दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रख दें, इससे सुख समृद्धि बहुत बढ़ेगी, आप देखना कितना परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। दीपावली के दिन शमशान घाट में जाकर शिव मंदिर में शिव जी की शिवलिंग पर दूध और शहद मिलाकर चढ़ाने से सारी परेशानियां, धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। नया झाड़ू दीपावली के दिन जरूर खरीद कर लाएं, पूजा से पहले उससे घर की सफाई अवश्य करें। दीपावली के दिन एक चांदी की बांसुरी राधा कृष्ण के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं, इससे और प्रतिदिन 43 दिन तक राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सुंदर होता जा रहा है। इस तरीके से यदि आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर पाते हैं ना, तो विश्वास रखिए पूरे साल आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, धन को लेकर आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। सारे उपाय नहीं करने को बोल रही हूँ, कोई भी एक उपाय जो आप कर पाएं वो अवश्य कीजिएगा, और जब जीवन में परिवर्तन आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप हमेशा भूल जाते हैं। अभी विदा लेती हूँ, राधे राधे।